संडे है तो आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आज हम लेक व्यू की तरफ जाएंगे, वन बिहार की तरफ। ये देखिए हम यहाँ आ चुके हैं। ये ऊपर एक फ्रंट साइड पे वन बिहार की ऊपर साइड एक म्यूजियम टाइप का बना हुआ है। मैं और संकेत दोनों आज वहीं विजिट करने आए हुए हैं। कितना प्यारा नज़ारा है। ये इन्होंने कुछ जनजातियाँ बना के दिखाई उधर पे कि कैसे लोग छोटे छोटे घरों में पहले रहा करते थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग। तो आप सारे लोग देख सकते हैं और आगे देखिए, हमारे यही ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आगे देखिए। फील हो रहा है यहाँ पे आके? व्हाट अमेजिंग, वाओ। होली के पहले हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घूमने के लिए। सोचा संडे था और हम अपने अपने कामों से फ्री थे। मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं तो वो भी बिजी रहते हैं, लेकिन हम संडे निकाल लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो अच्छा लग रहा है, हम इसलिए आपको दिखाएंगे हर संडे आके कि हम कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं। मजा आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है संकेत, आपको यहाँ डर लग रहा है इस जंगल में बार बार आवाज़ों से? पक्षियों की आवाज़ है, शेर की नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पैंथर और शेर भी, यहाँ पे लायंस जो है प्लीज नहीं है डायनासोर। यहाँ पे सिर्फ लायंस हैं, पैंथर्स हैं जो ऑलरेडी सेंचुरी नहीं है। ये पार्क है यहाँ पे, है ना, वन विहार जो कहते हैं, जो हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, वो यहाँ से लगा हुआ है जस्ट थोड़ी दूर किलोमीटर्स पे। अंदर जाना मना है इसलिए हम पास से नहीं दिखा सकते इसको, बाकी बहुत प्यारे लोकेशन पे बना हुआ है। आइए हम चलते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्हें कुछ बनाया हुआ है पुराने डिविजन्स में। हम आ गए हैं, कितनी प्यारी इन्होंने हैंडमेड ये जो भी वॉल पे किया है, कितना प्यारा है। देखिए आप इसको देखो, कितना प्यारा है। ये क्या है, क्रैब है ना शायद, पुराने जमाने में इनको कुछ मानते थे। और ये शायद यहाँ पे दाल पीसा करने वाला छोटा सा बनाया है जिसमें हाथ से हम दाल पीसते हैं, चावल पीसते हैं। वाओ, वहाँ पे तो देखिए गॉडेस की मूर्ति बनाई है कुछ इतनी प्यारी प्यारी, देखो आप देख सकते हो। पुराने जमाने में ऐसे बनाए करते थे, शायद वही है ऐसा कुछ। ऐसे और भी जो है आप दिखा, आप देख सकते हैं। ये क्या है, क्यूट क्यूट सा। ये गधे है कि घोड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आई थिंक दे आर ब्लोइंग द बलून्स, दैट्स व्हाई इनका थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बट पता नहीं, इनका मुंह बड़ा गोल गोल है। और देखते हैं आगे क्या है। लेट्स गो। देखो ये देखो, ये कितना प्यारा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ नागराज भी है। क्या है, नागराज इस साइड से। वो देखो वहाँ पे क्या है, वाओ, क्या साउथ अफ्रीका की कोई वो है ये। नहीं, हाँ, यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ पे द मिथ ऑफ किंग सलेश। ये किंग थे कहीं, उनका ये पूरा ऐसा दिखाया गया है क्यूट क्यूट सा। हाथी है या घोड़ा है, मैं तो समझ नहीं आया। जिराफ बना दिए पहले, पहले के जमाने में क्या जिराफ की बॉडी पर हाथी का, जिराफ जैसे होते थे क्या? तो प्यारा है, शिव जी है। हाँ, पुराने जमाने में बनाया है।
लोग जैसे उनको सोचते थे कि भगवान हमारे ऐसे उन्होंने इतना प्यारा प्रिंट करके बनाया, उसका एक सिर्फ ड्रीम सोच के अनुमान लगा के। सांपों को मानते थे ये यहाँ के लोग, इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं सब में पूरे में सांप ही सांप बने हुए हैं। हाँ। आप जूम करके देखो सब में सांप बने। ये नागराज की पर्टिकुलर फैमिली की बात की जा रही है, जो आपने कॉमिक्स में देखा भी होगा नागराज एंड ऑल, ये सारे ये सब वही है नागराज की फैमिली। क्यूट। ये देखो यहाँ पे ऐसे भी है मंदिर टाइप बनाए गए हैं, यहाँ पे क्यूट क्यूट सा। आंटी आप यहाँ की देखभाल करते हो क्या? कब से हो आंटी यहाँ पे? बहुत साल हो गया। 20 साल से। कैसा लगता है यहाँ पे आपको? 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गए। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? आओ यहाँ पे और भी बहुत कुछ है देखो। क्या है वॉल पेंटिंग्स, गॉडेस दंतेश्वरी जी की है यहाँ पे। और ये वापस ये गेट कितना प्यारा बनाया गया है ना, पुराने चीज़ों को दिखाया गया है यहाँ पे पूरा। जैसे वॉल कुछ हैंड प्रिंट रहते थे ना बनाते थे उसको, वैसे ही यही डिज़ाइन भाई। तो ये बहुत क्यूट है। आगे चलते हैं, हम और आगे दिखाएंगे आपको कि हम और क्या शूट कर रहे हैं। देखो ये मेरे हस्बैंड यहाँ क्या कर रहे हैं। संकेत, इनके साथ क्या कर रहे हो आप? खेल रहा हूँ, ये मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं। गुलगुले। बहुत क्यूट है गुलगुले। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं दूसरी जगह। तो ये क्या कर रहे हैं? ये गलती से तेरे पीछे पीछे आया मैं झक मार के, ऐसे कुछ गा रहा है शायद। गाओ जरा। तेरे पीछे पीछे आया तेरे झक मार के ये मजाक मस्ती तो होता रहा, इसी के साथ हम और आगे बढ़ते गए। बहुत प्यारा था ये। ये मुझे डक लग रही है क्या? कौन सी? ये पेड़ की डिजाइन। ये देखो हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन। वाओ ये पुल बनाया गया है। क्या 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 है? रॉक आर्ट हेरिटेज और ओपन एयर एग्जीबिशन, ट्राइबल हेरिटेज और आवृत्ति भवन, ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड गेस्ट हाउस, अवेथी संकुल और अदर ओपन एयर एग्जीबिशन हैं यहाँ पे। जो एग्जीबिशन लगते हैं वगैरह पुराने पुराने वो सभी यहाँ पर हैं। अंदर जाएंगे और हम एग्जीबिशन जो अगर होंगे यहाँ पे तो हम वहाँ पर देखेंगे। ओके देखो।
लग रहे तुम इन फ्लावर्स के साथ। वाओ, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत प्यारा ट्राइबल म्यूजियम बना हुआ है। ओके, शो किया गया यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो लेट्स सी, हम देखेंगे, मजा आएगा। तो गाइस, हम ये एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तो ये जल्दी जल्दी में मैं दिखा पाई आपको। ये म्यूज़ियम टाइप के बने हुए थे यहाँ पे छोटे छोटे, बताया गया था कि यहाँ पे क्या क्या है। ये फ़ोटोज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या, कैसे पुराने लोग उनके द्वारा यूज़ करने वाली कुछ मशीन्स थी वो कैसे बनाई गई, कुछ पिक्चर्स में दिखाई गई हैं ऐसे, तो वही मैं यहाँ शो कर रही हूँ। संकेत से बात करते करते पानी भी लेते हैं। अच्छा लगा, आगे का सफ़र करते हैं हम, फिर और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे। चले, इसको कहते थुम सुंग शांग। खाने वाने का बनता है इसलिए इसको कुछ बोला गया है, नो व्हाट इट इज, बट यहाँ पे आके कुछ लिखा गया है ऐसे, थुम सुंग शांग सॉल्ट मेकिंग शेड, कुछ है खाने बनाने का, सॉल्ट बनता है शायद। यहाँ मसाला पिसता है, देखो देखो ना, बड़ा है, चटनी बन जाती है यहाँ पे। कम्युनिटी के थे वो लोहा अपना कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जो बनाने के लिए जो यूज़ करते थे वो उसको बनाते कैसे थे, तो उस लोहे को गलाते कैसे थे पहले वो बताया गया, वो इस इंस्ट्रूमेंट से बताते थे, गलाते थे उस चीज़ को, बनाते थे वो, कुछ बताया गया वहाँ पे कैसे कुछ बना, हथियार हैं वो सारे। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बिहार स्टेट के लोग, ये मल्लाह कम्युनिटी के लोग कैसे ये सिंचाई के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो बना पुराने जमाने में यूज करते थे वो देखिए, करीम कहते थे इसे। देखिए ये राहत है, ये राहत कुएं से पानी निकालने का उपकरण है, ये भिंड में यूज करते थे मध्य प्रदेश के भिंड में, तो ये कुछ इस प्रकार है, कुछ कुछ यहाँ पे बना हुआ कैसे पानी निकालते थे दिखा रही हूँ। आखिरी पार्ट था, और अगर इसके आगे है तो हम आगे जाके देखते हैं इसका आखिरी पार्ट और क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ संकेत थक गए, कह रहे वाह। इम्पोर्टेंट चीज देखो, बीजों से तेल निकालने का उपकरण। ओके, तेल निकालने का उपकरण समुदाय रजवाड़ जिला। ऐसे तेल निकालते थे बीज से, कोई भी हम सीड्स जैसे सोयाबीन और अलग अलग ये अपना ग्राउंड नट ऑयल निकालते थे, इस इंस्ट्रूमेंट से पहले लोग निकाल लेते थे इस प्रक्रिया से। चलो अब चलते हैं आगे। सुंदर बनाया गया है। ओ चलो हम अंदर चलते हैं। वाह, ये अच्छा ना संकेत यहाँ पे। हाँ। और सीजन भी आज बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत प्यारा है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना ज़्यादा धूप और ना ज़्यादा ठंड। अभी होली आने वाली है तो बहुत प्यार हो गया है। फागुन, शायद फागुन कहते हैं, फाल्गुन राइट, वो आने वाला है। वाह ये कितने कलरफुल है, पोएट्री ट्रेडिशन। हैंडमेड है, मिट्टी के बर्तन कुछ बनाए गए हैं, कितने प्यारे बनाए गए हैं, बहुत मेहनती हुआ करते थे लोग है ना, और आज भी हैं जो कुम्हार कहलाते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कुम्हार गांव के। ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन। वाओ, चाइनीज ड्रैगन बनाए गए हैं यहाँ पे, क्यूट है। ये देखो टर्टल, इट्स क्यूट।
कैमल है, क्या है शायद कैमल, हाँ कैमल ही है। सारे के सारे कैसे लोग अपने हाथ से इतनी प्यारी प्यारी चीजें बना देते हैं। ये पुराने जमाने में शायद कुछ किसी की पूजा की जाती थी, शायद भगवान है ना उनका है, करके बताया है भगवान संकेत। था हमने बहुत सारी प्लेसेस देखी और अब मैं और संकेत इसी के साथ शाम के 4 बज चुके हैं और हम इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। हम लोग इमली खा रहे हैं, यहाँ की इमली बहुत टेस्टी है, हमने उन पेड़ों से तोड़ी, बहुत प्यारी हुई। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, बाद में मिलेंगे, बाय। तो हमें सब्सक्राइब करें, करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, शेयर करना। ओके बाय, मिलते हैं दीपाली और संकेत के साथ, चला।